दरख्वास्त करूँगा अपने जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती महमूद ज़ुबैर साहब, नाज़िम आला जमीयत उलमा तेलंगाना वांद्रा से तशरीफ़ लाएँ और इसराइली जारियत पर तजवीज़ पेश करें। आप बड़े तवज्जो से सुनिए, जो हालात गज़ा फ़लस्तीन के हैं लफ्ज़ों में नहीं बयान किए जा रहे हैं, खून के फव्वारे उड़ रहे हैं, अल्लाह ताला रहम फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजवीज़ नंबर 5 बसिलसिले इसराइली जारहीत, मंजूर करदा तहफ़ुज़ आइन हिंद कन्वेंशन ज़ेर एहतमाम जमीयत उलमाए हिंद, मुनक़िदा 3 नवंबर 2024 इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली। मैं तजवीज़ के अल्फाज आप हजरात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जमीयत उलमाए हिंद का तहफ़ुज़ आइन हिंद कन्वेंशन रुस्वाए आलम गासिब इसराइल के दरिंदा सिफत हुकुमरानों की सफाकाना और वहशियाना मुसलसल बमबारी के ख़िलाफ़ शदीद नफ़रत व हकारत का इजहार करता है। इसराइल की बर्बरियत और बेहिमाना बमबारी गुज़िश्ता 1 साल से निहत्ते मासूम बेगुनाह बच्चों और औरतों पर मुस्तकिल जारी है, जिसके नतीजे में शहर खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। इस वक्त फ़लस्तीन में एक क़ियामत सुग़रा बरपा है। इसराइल के बम्बार तैयारों ने अमेरिका के तबाह कुन हथियारों के ज़रिए इंसानियत की तजलील करते हुए इन अस्पतालों को भी ढेर में तब्दील कर दिया है, जहां जख्मियों का इलाज जारी था। गज़ा की मुतअद्दद बस्तियां मिसमार कर दी गई हैं, जिसमें लातदाद मासूम बच्चे भी मलबे तले दबकर जाम शहादत नोश कर चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइल ने मजलूम फ़लस्तीनियों को इमदादी सामानों की फराहमी में भी रुकावटें खड़ी कर दी हैं। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मजालिम में मुसलमानों के साथ साथ ईसाई आबादी भी मुतासिर है। अफसोस कि इसराइल की खुली जारहीत के खिलाफ इंसानी हकूक का मुसलसल राग अलापने वाले आलमी इदारे भी चुप हैं। अमेरिका और मगरबी ताकतों की ईमा पर अक़वाम मुत्तहिदा जंगों में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर आवाज़ बुलंद करती है, जबकि यूनिसेफ समेत यूएनओ के दीगर ज़ेली इदारे ख़वातीन और बच्चों की फलाह व बहबूद के नाम पर बेतहाशा रकम खर्च करते हैं। लेकिन फ़लस्तीन में 1 साल से ज़ायद इसराइल की वहशियाना बमबारी के नतीजे में 50,000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की भी एक बहुत बड़ी तादाद है। मगरबी ताकतों और उनसे वाबस्ता मस्कूरा बाला इदारों का मसलिहत आमेज़ रवैया बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन तमाम वहशियाना कार्रवाइयों की खुले आम हिमायत दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क कहा जाने वाला अमेरिका करता है। इसलिए अमेरिका की मौजूदा हुकूमत की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गज़ा में होने वाली हिलाकतों और तबाही को तारीख की बदतरीन सूरत हाल करार देते हुए इसराइल की नस्ल कुशी के खिलाफ सिर्फ बयान जारी करने पर इक्तफा कर लिया है। फ़लस्तीनियों पर मजालिम के सिलसिले में दुनिया का दोहरा मेयार सामने आ चुका है, जबकि दुनिया के अमन पसंद आवाम सरापा एहतजाज हैं। फ़लस्तीनियों की हिमायत और गासिब इसराइल के खिलाफ मुसलसल आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, मगर अफसोस आलमी कुव्वतें खामोश और सोई हैं। जमीयत उलमाए हिंद का तहफ़्फ़ुज़ आइन हिंद कन्वेंशन, अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपी यूनियन, वर्ल्ड मुस्लिम लीग, हुकूमत हिंद और तमाम इंसाफ पसंद बैनुल अक़वामी इदारों से अपील करता है कि इसराइल की वहशियाना बमबारी और बेहिमाना जंगी कार्रवाइयों को बंद करने के लिए ठोस इकदाम करें। कन्वेंशन दुनिया के तमाम अमन पसंद ममालिक से मुतालिबा करता है कि इसराइल की हिमायत और जंगी साजो सामान की फराहमी को बिला ताखीर बंद करे, ताकि फ़लस्तीनियों के लिए इंसानी ज़रूरियात की रसाई मुमकिन हो सके। जमीयत उलमाए हिंद का तहफ़्फ़ुज़ आइन हिंद कन्वेंशन इस्तेक़लाल और हुर्रियत पसंद फ़लस्तीनियों को
अपनी कल्बी हमदर्दी का यकीन दिलाता है और उनके मुतालिबे हुर्रियत व आज़ादी की दिलो जान से तायीद करता है और दुआ गो है कि अल्लाह ताला फलस्तीनियों के हौसले और हिम्मत को बुलंद रखते हुए उनकी नुसरत करे, नीज जालिम ताकतों और उनके हम नवाओं को नीज तो नाबूद करे। आमीन। अब इसके बाद मैं समझ नहीं पाता हूं कि दुनिया में बदतरीन दहशतगर्दी करने वाले इसराइल, जिसकी मजम्मत में ताईद आई है, और कायनात के मजलूम तरीन इंसान फलस्तीनी मुसलमान जिनकी ताईद में आई है, मैं इसकी कैसे आपसे ताईद हासिल करूं। अल्फाज बौने हैं, आंखों से खून के आंसू निकल रहे हैं, कलेजा टुकड़ा हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आपसे मैं किन लफ्जों में इसकी ताईद हासिल करूं। इस्लाम मिटने के लिए नहीं, बाकी रहने के लिए आया है। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। इस्लाम के खिलाफ बुजदिलाना कार्रवाइयां, ये दादागिरियां, ये दहशतगर्दियां जो कुछ भी हो रही हैं, आपकी आंखें देखेंगी कि कुफ्र सर नगु होगा, इस्लाम सर बुलंद होगा। हक हमेशा जीता है, जीतेगा। हिंदुस्तानियों का भी यही नारा रहा है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, कि जीत हमेशा सच की होती है, सच की होती है, सच की होती है। मैं इसके बाद एक्सा सिविल कोड की तजवीज पेश करने के लिए मौलाना मोहम्मद मुस्लिम साहब सदर जमीयत उलमा दिल्ली को पेश करता हूँ, वो तशरीफ लाए और एक्सा सिविल कोड से मुतालिक तजवीज़ पेश फरमाएं।